आज हम फिर एक नया नाश्ता लेकर आए हैं। ना आज से पहले आपने कभी खाया होगा, ना ही कभी बनाया होगा। हमने आधी कटोरी बारीक बारीक सूजी ली है। आपको यहाँ पर बारीक बारीक सूजी ही लेनी है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना है, इतना पानी डाल देना है कि जो सूजी है सोख हो जाए। हमें सूजी में बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। बस देखो, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको हम फूलने के लिए रख देंगे। इसको हम साइड में रख देंगे। अब हमने एक बाउल लिया है, इसमें हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डालेंगे। गेहूं के आटे से आज हम बिल्कुल नए तरीके से नाश्ता बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन करके तैयार होगा। जितनी क्वांटिटी में आप इस नाश्ता को बनाना चाहते हैं उतना ही आप गेहूं का आटा ले लें। बहुत ही टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार होगा। इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे। आधी चम्मच हम इसमें साबुत जीरा डालेंगे और आधी चम्मच से कम हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे और थोड़ा सा हम इसमें बिल्कुल आधी चम्मच से कम कलर के लिए हल्दी पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। इसमें हमें कुटी हुई काली मिर्च ही डालना है, इसमें हमें इसका पाउडर नहीं डालना है। जब कुटी हुई लाल मिर्च आपके मुंह में खाने में आएगी तो इसका बहुत ही अलग टेस्ट होता है, इसलिए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ही काली मिर्च ही डालनी है। और थोड़ा सा हम इसमें हींग डाल देंगे और थोड़ी सी हम अजवाइन को हाथ से क्रश करके इसमें डाल देंगे, जिससे हमारे आटे में अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाएगा। देखो, हमने इतने मसाले डाल दिए हैं। ये बिल्कुल हमारे सादा मसाले हैं, सबको घरों में यह मसाले मिल जाते हैं। इस यदि आपके पास कोई मसाला ना हो तो कम या ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। थोड़ी सी हमें कसूरी मेथी ली है, कसूरी मेथी को इसमें हम डाल देंगे। यदि आपके पास सूखा पुदीना हो तो आप इसमें सूखे पुदीने की पत्तियां डाल सकते हैं। और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल में आप घी या ऑयल कुछ भी डाल सकते हैं। हमने 2-3 चम्मच इसमें अच्छे से ऑयल डाल दिया है। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें मोम इसमें अच्छे से परफेक्ट लगाना है। यदि आपके इसमें मोम कम होगा तो जो आपका नाश्ता है अच्छे से नहीं बनेगा, और ज़्यादा हो जाएगा तो वो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। देखो, हमने अच्छे से मोम लगा लिया है और हाथों से अच्छे से मसल लिया है, और जो हमारा सूजी थी सूजी भी अच्छे से फूल चुकी है। जब आप इस तरीके से फुला करके सूजी गेहूं के आटा में डालेंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आटा लग करके तैयार होगा। आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होगी, ना आपको बहुत देर तक फुलाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो हमारी सूजी है सूजी पहले से अच्छे से फूल चुकी है। अभी हमें इसमें पानी नहीं डालना है। जो हमारी सूजी थी सूजी से ही आटा लगा करके हमें तैयार कर लेना है, और ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल सकते हैं। जब आप सूजी को फुला करके इस तरीके से बनाएंगे तो आपको बिल्कुल परफेक्ट आटा लग करके तैयार होगा, और जो आपका नाश्ता है नाश्ता भी बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार होगा। बहुत ही टेस्टी। देखो, ये हमने आटा लगा करके तैयार कर लिया है। आटा हमने थोड़ा हार्ड लगाया है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगाया है, क्योंकि हमारी सूजी पहले से अच्छे से फूली हुई थी। अब सूजी नहीं फूलेगी, इसलिए हमने जैसा पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से आटा लगा करके तैयार कर लिया है। यदि आपकी सूजी फूली ना होती तो आपको थोड़ा गीला आटा लगाना। देखो, हमने 1 गिलास पानी लिया था, पूरे आटा लगाने में हमें आधा गिलास पानी लगा है, और जो हमारा आटा है आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसको बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयां कट करेंगे। इस तरीके से हम इसकी सारी लोइयां कट करके तैयार कर लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लोई नहीं कट करनी, बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयां कट करनी है। और इस तरीके से हमने पेड़ा जैसा बना करके तैयार कर लिया है। एक बार हम आपको याद दिला दें दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। देखो, हमने चकलन के ऊपर इस तरीके से लोई को रख दिया है। यदि आप हाथ से इस तरीके से दबाना चाहते तो हाथ से भी
दबा सकते नहीं थे, कटोरी ले ले, कटोरी की मदद से इस तरीके से आप इसको दबाते जाएं। यह नाश्ता बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाता है। यदि आपके घर में बच्चे हों तो बच्चे भी इस तरीके से कटोरी से दबा दबा के नाश्ता को बना करके तैयार कर सकते हैं। देखो हमने इस तरीके से नाश्ता को बना करके तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, 10-15 मिनट में आपका खूब सारा नाश्ता बन करके तैयार हो जाता है। एक हमने कांटे वाली चम्मच ली है, कांटे वाली चम्मच से इसमें अच्छे से छेद कर देंगे। जब हम नाश्ता तेल में फ्राई करेंगे तो जो हमारा नाश्ता है बिल्कुल भी नहीं फूलेगा और बहुत ही अच्छे एकदम बिल्कुल क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। इसलिए हमने सारे नाश्ते के ऊपर इस तरीके से फॉक से छेद कर दिए हैं। देखो हमारा इतना सारा नाश्ता बन करके तैयार हो चुका है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है, जब देखने में अच्छा लगता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई में हमने थोड़ा सा ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल को हम बिल्कुल थोड़ा सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो जो आपका नाश्ता है अंदर कच्चा रह जाएगा और बाहर काला पड़ जाएगा, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा ही गर्म करना है। और जो नाश्ता है नाश्ता इसमें हमें डाल देना है। एक बार में हमारी कढ़ाई में जितना नाश्ता आ जाएगा हम उतना ही डाल देंगे और पलट पलट के इनको अच्छे से सेक लेंगे। एक बार में हमारी कढ़ाई में जितना आ गया है उतना हमने डाल दिया है और अच्छे से इसको देखो हमने पलट पलट के इसको सेक लिया है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट आज गया है नाश्ता बन करके हमारा तैयार होगा। बच्चे तो इस नाश्ता को बहुत ही पसंद करते हैं, चाय के साथ खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इस नाश्ता को बना लें कई महीनों तक स्टोर करके इसे खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बन करके तैयार हो जाता है। चाय के लिए तो आप इस नाश्ता को अक्सर अपने घर पर बनाकर एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं और इसे कई महीनों तक स्टोर करके खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट यह बन करके तैयार हो जाता है। देखो हमने सारा नाश्ता अच्छे से बना करके तैयार कर लिया है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। देखो हमारा कितना अच्छा नाश्ता देखने में लग रहा है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल क्रिस्पी नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। आज ही हमने बिल्कुल नए तरीके से नाश्ता बना करके तैयार किया है, ना आपने आज से पहले कभी बनाया होगा ना ही कभी खाया होगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।